एक मिनट यार, इधर सर, रमेश सर, शुभा जी, विजु मामा, इधर बाप और बेटी साथ में बैठे स्टेज पे, कौन बोलता है अपनी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है? नेपोटिज्म का बाप है, सॉरी जेमी का बाप है, बट नेपोटिज्म है। मेरे को कंगना रनावत इधर चाहिए अभी। नेपो कंगना किधर है? नहीं, आपका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहने, आप कोशिश क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बहुत बहुत गलत है। देखिए देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो, मैंने एक एक वर्ड क्या बोला, आप तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तो इतना लाइट कांगना, you're not here to cry, okay? No, this is not okay, Karan. Karan, I'm not going to listen to this, okay? Because this is, it's written in the jurisdiction that is multiplication, and it's only, there should not be any frustration. Because I'm getting frustrated right now. मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस विषय में बोलना जरूरी है। एक मिनट, यू सेड नोटिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन एंड एब्सोल्यूशन, प्लीज रिमेंबर योर कंगना रनावत, नॉट अमिताभ बच्चन। या ओके, नाउ सिट डाउन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर। चलिए, नेपोटिज्म की जब बात शुरू हो ही चुकी है, जानी आपसे ही शुरू करते हैं। क्या आपके हिसाब से नेपोटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में? आपके पापा के बगल में बैठी हैं आप, याद रखिएगा। अरे हंस किया, तो हंस रहे, ये जवाब है क्या? नहीं देखिए, सबकी जर्नी अलग है, सबके स्ट्रगल्स अलग हैं। अब नेपोटिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल। मैं सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में, मैं अरे उसमें अंडा डाल दो उस टॉपिक में, ऐसा बॉयल होके बाहर निकलेगा, इतना हॉट है। लेकिन बट मैं अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम्हें पढ़ना है, डिग्री हासिल करनी है, वर्क एक्सपीरियंस लेना है। तो क्योंकि मेरे फादर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा तुम करो। तो बिल्कुल, मैंने यहाँ पर डिग्री हासिल की, मीडिया की पढ़ाई की। फिर मैं लंदन गई, वहाँ पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की पढ़ाई की, मास्टर्स की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने कहा वर्क एक्सपीरियंस ले लो, वो भी कर लिया। ये सारा कुछ कर लिया, पर मेरे अंदर मतलब एक आई थिंक आर्टिस्ट था, एंड वो क्रिएटिविटी थी जो बाहर आना चाह रही थी, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। आई डिडंट नो, लेकिन मेरे अंदर एक आर्टिस्ट, एक्टर, कमेडियन था, और मुझे सिर्फ उसको वक्त लगा थोड़ा जानने के लिए, समझने के लिए। तो मैं जो है लंदन में पढ़ाई करते करते बहुत सारे शोज देखा करती थी, ऐसे वॉच स्टैंड अप गिग्स और ड्रामास देखती थी, एंड देखते देखते मुझे ऐसा लगता था यार ये माइक मेरे हाथ में होना चाहिए, मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, यू नो, आई कैन बी फनी एंड आई कैन डू सम स्टैंड अप, मुझे स्टेज पर होना है। तो मैंने बस मेरी मॉम को बताया कि मम्मी मुझे करना है ये, आई वॉन्ट टू डू स्टैंड अप, मुझे कॉमेडी करनी है। तो उन्होंने कहा पता नहीं डैड क्या कहेंगे। तो फिर उस वक्त डैडी आए हुए थे यूके में, वो टूर कर रहे थे, उनके शोज चल रहे थे यूके के अंदर। फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा डैडी मुझे कॉमेडी करनी है। तो वो थोड़ा सा यू नो घबरा गए, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। और मैं पढ़ाई कर रही थी, तो उनको लगा कि अच्छा ये ऐसे ही चलेगा, यू नो, ही वॉन्टेड मी टू हैव अ सिक्योर लाइफ, और एज अ फादर वो बहुत प्रोटेक्टिव थे मेरे प्रति। तो देन ही सेड अच्छा ठीक है, यू नो, इफ यू वॉन्ट टू डू दिस, तो ही सेड ऐसे हाउ विल आई नो कि तुम कर पाओगी या नहीं, हाउ विल आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा। सो ही सेड एक शो है विच आई एम डूइंग इन लंदन, दो शो हो रहा था, एंड ही सेड मैं तुमको 10 मिनट दूंगा, तुम अगर मेरे मंच पर, मेरे स्टेज पर, मेरी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर पाओ, और अगर उनको पसंद आए तो फिर वी विल थिंक अबाउट इट। तो फिर मैंने तैयारी की। अच्छा, स्टेज पर जाने से पहले ये भी हुआ था कि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट लेट यू गो ऑन स्टेज, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, ये मेरी ऑडियंस है, टिकट खरीद कर आई है, और ऐसे थोड़ी ना मैं किसी को भेज दूंगा, मेरी ऑडियंस है। तो उन्होंने बकायदा मेरा ऑडिशन लिया, बंद कमरे में अकेले बैठे हुए थे, और हंसते भी नहीं है बिल्कुल, इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक हिम लाफ। और फिर उन्होंने देखा, एंड ही सेड अच्छा ठीक है, लंदन की चीज़ों पर मैंने ऑब्जर्व किया, कैसे लोग बात करते हैं, क्या वो सारी ऑब्जर्वेशंस, उस पर मैंने एक एक्ट तैयार किया, उनको ठीक लगा, एंड देन ही सेड ठीक है तुम कर लो परफॉर्म, यू नो यू कैन डू इट, ठीक है तुम कर सकती हो 10 मिनट। मैंने परफॉर्म किया, और फिर आप बताएं क्या हुआ। 10 मिनट दिए थे मैंने उनको, मैंने कहा चलो तुम कर लो, स्टैंडिंग ओवेशन ली भाई, क्या बात है, वाह, लंदन में
तो मैंने कहा मैं रोकूंगा नहीं, तुम्हें जो करना है करो। फिर जाके मैंने कोई उनको कहीं रिकमेंड नहीं किया, ये लाइन में जाके खड़ी थी कॉमेडी सर्कस के लिए, वहाँ की ऑडिशन वगैरह दी उन्होंने बेहतरीन, पता नहीं क्या क्या किए, वो हैरान हो गए, वो भी कर रही ये भी कर रही, तुम्हें भले ये साल भर का डेट दिया उन्होंने, एक साल तक आप मेरे साथ काम हमारे साथ काम कर रही हो और ये डेट्स हैं, डेट्स दे दिए। और फिर पूछे इनसे, ये अपने कृष्णा भारती वगैरह थे, सुदेश जी आपके इंडस्ट्री में आपकी फैमिली से कोई है क्या? उन्होंने कहा मेरे फादर है, आपके डैडी हैं। अच्छा क्या करते हैं वो? मैंने किसी को बताया नहीं था। करते हैं कॉमेडी करते हैं। अच्छा क्या नाम है? जॉनी लीवर। अरे बाप रे, वेरी वेरी बेटी। तो फिर वहां से इनको वो करती गई, उनको पता ही नहीं था कि मेरी बेटी है। अच्छा जैमी, मैंने एक्चुअली ना सवाल एक ही लाइन का पूछा था कि नेपोटिज्म है या नहीं है, मतलब हाँ। तो अब जब उस कहानी में आपने ये कह ही दिया है कि आपने ऑडिशन अपने पापा को ही दिया था लंदन में, डू यू बाय एनी चांस रिमेंबर कि वो क्या आइटम किया था आपने स्टेज पे फर्स्ट? इट वाज समथिंग अबाउट, जैसे लंदन के लोग जो होते हैं ट्रेन के अंदर इस तरह से बैठते ना, जैसे कि कोई फ्यूनरल में कोई बैठा हुआ है, जैसे मेट्रो स्टेशन में है, मेट्रो के अंदर ऐसे लाश पड़ी हुई सब, हेलो सॉरी इट वाज सिक्स, थैंक यू, यस यू, इतना मतलब खामोशी, इतना डरे हुए रहते हैं स्टेज ट्रेन के अंदर। और अगर ट्रेन में अगर एक इंसान होता है जो इस तरह से देख रहा होता है सबको, तो वो इंडियन होता है जो दो दिन पहले आया होगा गुजरात से, वो बैठ के सबको देख रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने बताया।